देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का एग्जाम पूछा गया तो आगे भी पूछा जाएगा इसी टाइप का। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है और एक 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकेंड में पार करती है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो इसकी चाल ज्ञात करें, ठीक है। इसका स्पीड पूछा जा रहा है रेलगाड़ी का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सब में मीटर और सेकेंड है, ठीक है, और आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में। फिलहाल जब हम सॉल्व करेंगे तो मीटर और सेकेंड में ही करेंगे, ठीक है, लास्ट में इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। तो बनाते इसको, देखिए, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, यानी अपनी लंबाई साथ में पुल की लंबाई को 1 मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान लें, x मान लेते हैं। पुल की लंबाई कितना है भाई, 1 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना मिनट में पार कर रहा है, 1 मिनट में। मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 × 60 यानी 60 हो जाएगा। बराबर का साइन लगाएंगे। वही रेलगाड़ी 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, अपनी लंबाई साथ में सुरंग की लंबाई को 50 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई x है, सुरंग की लंबाई 750 है, बट्टा 50 सेकेंड में पार करती है। कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सॉल्व करते हैं। ये 0 0 कट जाएगा, इधर जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5000। इधर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 0 × 6 = 35 का 0 × 7 = 42, 42 + 43 = 44, यानी 4500 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5x इक्वल टू के बाहर जाएगा 6x की तरफ तो x बचेगा, 4500 इक्वल टू के बाहर जाएगा 5000 के तरफ तो कितना बचेगा भाई, 500 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आया, ठीक है, x का वैल्यू 500 ही निकल के आएगा। अब आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। आप चाहो तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दो या x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर एक ही आएगा। ट्रेन का स्पीड पूछा जा रहा तो हम इसमें पुट कर देते हैं, x का वैल्यू आया 500, तो 500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1500। 500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1500, कोई दिक्कत नहीं है। बटा 60 सेकेंड नीचे, किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा, ये मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 × 15 यानी 300 आ गया इधर, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 6 × 12 = 18 यानी 3 × 3 = 9, 90 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है।